हेलो फ्रेंड्स, अपने दूसरे व्लॉग में मैंने अंगूर कहाँ से तोड़ा था वो भी आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है अंगूर, काफ़ी ज़्यादा ये खट्टा, इसको खा ही नहीं सकते। तो मुझे एक आइडिया आया इसका, क्यों नहीं हम जेली बना के खाएं। ये वैसे मेरे पेड़ से टूटा है, अगर आप लोग के पास भी ऐसा कोई ऑप्शन है, आप लोग के पास भी हरा अंगूर मतलब खट्टे अंगूर हैं, तो आप उसका जेली बना के यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ कुछ अंगूर साइज़ में छोटे रह गए क्योंकि मैंने पहले ही तोड़ लिया, इसीलिए। वैसे जेली बनाने के लिए ये सब अंगूर ठीक होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका जेली बहुत ही टेस्टी होता है। ब्रेड के साथ, रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं इसकी जेली किस तरह से बनाऊंगी, चलिए आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान है, तुरंत बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है। पहले इसे अच्छे से धो लेना पड़ेगा, दो तीन बार इसको अच्छे से धो लीजिए। फिर इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दीजिए, ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो ये कलर भी चेंज कर देगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और ये हो चुका है इसका कलर चेंज, इसको हम लोग ठीक से चूर लेंगे। मैश करने के बाद इसको अच्छे से छान लेंगे, फिर इसका पानी सुखा के इसमें चीनी, थोड़ा सा नमक, दो से तीन ड्रॉप नींबू का डालकर इसको अच्छे से चला। जब ये पानी पूरा सूख जाए, ये जमने लगे, समझ जाइए जेली हमारी रेडी है।